अच्छा, तो अब इसके अलावा यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पर और जो आइटम्स हैं, हिडन सेलेक्टेड वगैरह वाला, ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी हो गया। ऑप्शंस में चले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो फोल्डर से रिलेटेड हैं, जैसे ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, ओपन ईच फोल्डर इन ऑन विंडो। तो इससे क्या होता है, इट्स ऑन विंडो या ईच इन द सेम विंडो में सिंगल क्लिक डबल क्लिक में क्या हो रहा होता है, इसको देखते हैं जरा। अगर मैं सिंगल क्लिक पे क्लिक लगा के ओके कर देता हूँ तो अब मेरे सारे फोल्डर सिंगल क्लिक पे ही ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिंगल क्लिक पे काम हो रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसका डबल क्लिक कर देंगे तो ये डबल क्लिक पे ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर अभी ऐसा क्या हो रहा होता है कि जैसे हम एक कोई फोल्डर खोलते हैं और उसके अंदर दूसरा फोल्डर खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फोल्डर खोला और इसके अंदर हमने एक और फोल्डर खोला, तो आप देखेंगे कि ये फोल्डर और दोनों फोल्डर एक ही फोल्डर में खुलते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से व्यू में जाएंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और व्यू में जाएंगे और इसको हम ईच ऑन इट्स ऑन विंडो कर देंगे। फिर होगा ये, यहाँ क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके एक फोल्डर खोलेंगे हम यहाँ से, और यहाँ से दूसरा फोल्डर खोलेंगे, और तो आप देखेंगे वो अलग अलग विंडो में दोनों ओपन हो रहे हैं। तो ये फर्क है ओपन ईच फोल्डर इन और इन द सेम फोल्डर वाले ऑप्शन में, कि ये सिंगल क्लिक और डबल क्लिक पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद व्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हमें समझना है। जैसे एक ऑप्शन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके अंदर बाज़ औक़ात हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और यहाँ से हम कुछ इमेजेस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इमेजेस हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेटेस्ट के फोल्डर में जाएंगे और लेटेस्ट के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यू में जाने के बाद आपका जो मामला है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। और उसके बाद व्यू में ये जो फोल्डर्स आइकन्स वगैरह आपके ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी फोटोज आपको विजिबल हो रही है। मोबाइल में भी ऐसे ही होता है। तो इसके ऑप्शंस में एक सेटिंग है जिसको आप इस तरह से कर सकते हैं, डिस्प्ले फाइल आइकन ऑन थंबनेल, इस पर क्लिक लगा के अप्लाई करेंगे। और एक और इसमें हायर डिस्प्ले फाइल साइज थंबनेल इंफॉर्मेशन और ऑलवेज ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स, इस पर चेक लगा के जैसे ही अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए इनमें से काफ़ी सारी फोटोज जो थी वो जैसे जो जेपीजी मोस्टली फाइल्स थी उनके जो ऊपर इमेजेस थे वो नज़र अब आपको नहीं आ रहे, लेकिन पीएनजी फाइल्स कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर ये नज़र आ रहे हैं। विंडोज 10 में कुछ ये सेटिंग में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन विंडोज 7 में अगर हम ये सेटिंग करते तो सबके ऊपर से ख़त्म हो जाते ये जो फोटोज के छोटे छोटे थंबनेल्स बने हुए आ रहे हैं। तो ये सेटिंग यहाँ से आप इसकी कर सकते हैं। जेपीजी फाइल्स के ऊपर से अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो ये हट जाएंगे, और अगर ऑलवेज शो मेन्यू पे चेक लगा के अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ऊपर की तरफ मेन्यूज भी रहता है, ये विंडोज 7 मोड में नजर आएंगे, आई थिंक सो विंडोज 10 के इस मोड में नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ सेटिंग्स थी जो इसके रिलेटेड आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे।